क्या होगा अगर मास्टर ऑफ मिस्टिक आर्ट्स डॉक्टर स्ट्रेंज और एमसीयू के सबसे इंटरेस्टिंग एंटी हीरो डेडपूल के बीच जो फाइट हो जाए तो कौन जीतेगा। डेडपूल बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है जो कि ऑलमोस्ट इमॉर्टल है और गुस्सा आने पर पूरे के पूरे मार्वल यूनिवर्स और मार्वल यूनिवर्स में मौजूद हर एक सिंगल कैरेक्टर तक को मार चुका है जिसमें डॉक्टर स्ट्रेंज भी शामिल था। जबकि दूसरी तरफ डॉक्टर स्ट्रेंज मिस्टिक आर्ट्स का मास्टर है जो कि अपने आसपास की एनर्जी का यूज करते हैं स्पेल्स को कास्ट करने के लिए जिनका यूज बोथ अटैक एंड डिफेंस पर्पसेस के लिए कर सकते हैं। डेडपूल अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ डॉक्टर स्ट्रेंज पर अटैक करेगा पर डॉक्टर स्ट्रेंज बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है जो कि डोरमामो और थानोस जैसे कैरेक्टर्स के साथ भी फाइट कर चुका है इससे वो डेडपूल के किसी भी अटैक को इजीली डॉज या सर्वाइव कर सकते हैं। साथ ही डॉक्टर स्ट्रेंज भागने के लिए अर्थ पर कहीं भी पोर्टल ओपन कर सकते हैं और किसी को टाइम लूप में भी फंसा सकते हैं जैसे कि डोरमामो और थॉर रैग्नारोक में लोकी को फंसाया था जिससे वो आधे घंटे से लगातार सिर्फ गिर रहा था। इसके अलावा डॉक्टर स्ट्रेंज फ्यूचर की सभी पॉसिबिलिटीज को देखकर एक परफेक्ट पाथ को फॉलो करके अपनी को कंफर्म भी कर सकते हैं। और तुम ऐसे ओपोनेंट को कैसे हराओगे जिसे पता है कि आगे क्या होने वाला है, तुम्हारी अगली मूव क्या होने वाली है और वो उस मूव के लिए पहले से ही प्रिपेयर हो। साथ ही डॉक्टर स्ट्रेंज डेडपूल को मिरर वर्ल्ड में भी डाल सकता है जहाँ पर हर एक चीज डॉक्टर स्ट्रेंज के कंट्रोल में होती है और अगर तुम्हारे पास वांडा की तरह मैजिकल स्पेल्स या एबिलिटीज नहीं है तो तुम कभी भी वहां से बाहर नहीं जा सकते। डॉक्टर स्ट्रेंज डेडपूल को ट्रैप तो कर सकता है पर वो उसे नहीं मार सकता क्योंकि डेडपूल की बॉडी किसी भी इंजरी को सर्वाइव कर सकती है और इवन पूरी बॉडी के डिस्ट्रॉय हो जाने के बाद भी एक सिंगल सेल या खून के एक बूंद तक से उसे दोबारा से पूरी तरह से रीजनरेट कर सकती है। जबकि दूसरी तरफ डॉक्टर स्ट्रेंज पावरफुल तो बहुत है पर फिर भी उसकी बॉडी एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की है और अगर डेडपूल का एक डायरेक्ट हिट भी सही से कनेक्ट होता है तो डॉक्टर स्ट्रेंज की बॉडी उस डायरेक्ट हिट तक को सर्वाइव नहीं कर पाएगी। पर दूसरी तरफ डॉक्टर स्ट्रेंज डेडपूल को मार तो नहीं सकता पर उसे मिरर वर्ल्ड इनफाइनाइट लूप या किसी स्पेल में भी फंसा सकता है जहां से वो कभी भी वापस नहीं आ पाएगा। पर डेडपूल कब क्या करने वाला है ये कोई नहीं जान सकता और इसी की वजह से उसके ओपोनेंट के लिए उसके किसी भी मूव्स को प्रेडिक्ट कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है और इसी की वजह से डेडपूल ऐसे कैरेक्टर्स को भी हरा चुका है जो उससे कई गुना ज्यादा स्ट्रांग थे। और अगर डॉक्टर स्ट्रेंज उससे एक पॉसिबिलिटी में जिसमें वो डेडपूल से जीतने वाला था उसमें कुछ भी सही से ठीक से कैलकुलेट नहीं कर पाता तो ये फाइट डॉक्टर स्ट्रेंज की आखिरी फाइट होगी। इन दी एंड डॉक्टर स्ट्रेंज ने फ्यूचर की सभी पॉसिबिलिटीज देखी होंगी जिससे उसकी विन कन्फर्म होगी और जीतेगा डॉक्टर स्ट्रेंज ही अनलेस और अनटिल डेडपूल अपने किसी मूव से डॉक्टर स्ट्रेंज को सरप्राइज ना करते। और अगर डेडपूल समहाउ ऐसा कुछ कर पाता है तो डेडपूल इस फाइट को जीत सकता है जिससे इस फाइट के जीतने के चांसेस दोनों के 50-50 हो जाते हैं जिसमें सब कुछ डिपेंड करेगा कि डेडपूल डॉक्टर स्ट्रेंज को सरप्राइज कर पाता है या नहीं। बट एटलीस्ट लास्ट मोमेंट तक फाइट टोटली डॉक्टर स्ट्रेंज के कंट्रोल में होगी। बाकी आपके हिसाब से इस फाइट की और क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनानी चाहिए कमेंट करके जरूर बताना। ऐसे अमेजिंग वीडियोस के चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड थैंक्स फॉर watching.